जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर बेटा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। ये हमारा एक वन शॉट वीडियो होगा। इससे पहले बेटा मैं वन शॉट वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी सीरीज में दो वीडियो बना चुका हूँ। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और दूसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसी वन शॉट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बोर्ड एग्जाम के लिए आज हम चलते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बेटा सबसे पहले समझो इस चैप्टर का बेसिक लेआउट क्या है। सबसे बेटे छोटे 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 ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखते, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होकर क्या बनाया, सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स ने क्या बनाया, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठे हुए, ऑर्गेन। और जब ऑर्गेन कई सारे ऑर्गेन तो हमारा बना ऑर्गेन सिस्टम। जब ऑर्गेन सिस्टम कंबाइन हुए तो बना ऑर्गेनिज्म। जब जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ पे पॉपुलेशन भी होगी, और जब सेम ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है उसे कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी से बनता है बायोम। बायोम होता है जब फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट एनिमल को एक जगह पे रख जाता है हैबिटेट में, और बायोस्फीयर है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बायोस्फीयर में आपके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा मेरा बायोटिक फैक्टर्स, एक आएगा एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स होंगे लिविंग वाले, एबायोटिक होंगे नॉन लिविंग वाले। बेटा कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम चलेंगे। एबायोटिक चार बात करते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। बेटा टेम्परेचर की मैं बात करूं बेटा, देखो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूरीथर्मल्स और एक होता है स्टेनोथर्मल्स। एक होता है यूरीथर्मल, दूसरा स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सस्टेन करते हैं, बहुत लंबी टेम्परेचर है। जैसे आप बात करो ह्यूमन बींग्स की, गर्मी में भी सस्टेन करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं। आप गोट की बात करो, बकरी की बात करो, गर्मी सर्दी कैसे मौसम में सस्टेन कर लेते हैं ना। काऊ की बात करो, सब सस्टेन करते हैं। तो ये आया हमारा यूरीथर्मल। स्टेनोथर्मल होता है जो बहुत लिमिटेड सी नैरो रेंज होती है बेटा, उसी में सर्वाइव कर पाते हैं, उसी में सस्टेन कर पाते हैं। पेंगुइन की बात करो, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाते बेटा, सर्दी होता भी देखो साइबेरिया कोल्ड प्लेसेस में ज़्यादा दिखाई देती है। आप बात करो पाइथन की, आप बात करो क्रोकोडाइल की, एक फिक्स रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसके अंदर वो सर्वाइव कर पाते हैं। उससे मेरा टेम्परेचर चेंज होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये समझ आ गया टेम्परेचर में। सेकेंड मेरा एबायोटिक फैक्टर है बेटा वाटर। अच्छा वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट है सलाइनिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन। पानी को भी तीन हिसाब से बांटा गया बेटा, पहला इनलैंड वाटर, दूसरा सी और ओशन, और तीसरा हाइपर सलाइन लगून। मेरे पीछे बोलो, पहला क्या है इनलैंड वाटर, दूसरा है सी ओशन, तीसरा है हाइपर सलाइन लैगून। बेटा इनलैंड वाटर वो वाटर होता है जिसमें कंसंट्रेशन ये सलाइन वाटर कितनी होती है, लेस देन 5%, ठीक है। सी और ओशन में 30-35% होगी सलाइन कंसंट्रेशन। हाइपर सलाइन में बेटा 100% से ज़्यादा चली जाती है सलाइन। बात समझ आई? चलो अब इनलैंड वाटर के अंदर दो तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं स्टेनो हेलाइन और एक होते हैं यूरियालाइन। जैसे नाम यहाँ पढ़े थे बेटा सेम नाम हुए, स्टेनो क्योंकि हेलाइन इस लग गया कि सॉल्ट से रिलेटेड है, स्टेनो हेलाइन और यूरियालाइन। स्टेनो हेलाइन मतलब बहुत कम सलाइनिटी बेटा वो क्या कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खारापन नहीं होना चाहिए पानी में। यूरियालाइन बेटा 5% से 35% जो है सलाइनिटी मिस। स्टेनो हेलाइन की बात करूँ, जितने फ्रेश वाटर फिश है बेटा, नाम से ही पता है फ्रेश वाटर फिश, तो फ्रेश वाटर चाहेंगे ना तभी तो सलाइनिटी बहुत कम टॉलरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बात करो लाइन में माइग्रेटरी फिश बेटा, माइग्रेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह चली आती है, ठीक है। दो फैक्टर समझ आ गए, टेम्परेचर आ गया, वाटर आ गया। अब चलते हैं लाइट की तरफ। लाइट में हमें समझना है फोटोपीरियडिज्म क्या होता है। फोटोपीरियडिज्म वो टाइम है जिस समय एक ऑर्गेनिज्म को लाइट पड़ती है। देखो द पीरियड ऑफ टाइम ईच डे ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव इल्यूमिनेशन लाइट पड़ती है। अब ये दो तरह से बांटा गया, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे वो प्लांट होते हैं कि कम टाइम के लिए अगर मेरी लाइट पड़े तब भी फ्लावर ब्लूम करने लग जाए, जैसे एग्जाम्पल है राइस, अनियन, सोयाबीन। लॉन्ग डे प्लांट है बेटा कम से कम बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन चाहिए होती है ताकि वहाँ से फ्लावर ब्लूम करे या ये ग्रो करे, जैसे स्पाइनेक हो गया, लेट्यूस हो गया। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट मेरा एबायोटिक कंपोनेंट है सॉइल, है ना। इससे पहले मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया, वाटर के बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया। चौथा एबायोटिक कंपोनेंट है हमारा सॉइल। सॉइल बेटा सबसे पहले आपको समझने एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर होते हैं जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं किसी भी सॉइल के, ना। सबसे पहले बेटा फिजिकल में क्या है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। भाई कोई चीज़ सडनली गर्म हुई फिर आपने एकदम ठंडी कर दी, इसे आप वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं। देखो दिन में सूरज आता है चट्टानों को गर्म करता है, रात में सूरज चला जाता है ठंडी, फिर ऐसे कई सालों करोड़ों साल तक प्रोसेस चलता है जिससे सॉइल बनती है। केमिकल बेटा एसिड रेन की वजह से होती है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, लाइचन की ग्रोथ हो जाती है, रॉक्स पर से सॉइल बनती है। तो बेसिकली ये सॉइल फॉर्मेशन की टेक्निक किस किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन में मदद होती है।
अगर मैं आपसे बात करूँ सॉइल वाटर की, भाई वाटर सॉइल में जो वाटर कंटेंट अवेलेबल है उसे क्या कहते हैं बेटा? होलार्ड। अब होलार्ड दो चीज़ों का मिक्सचर है, क्रेसार्ड और इकार्ड। क्रेसार्ड होता है बेटा अवेलेबल वाटर, जो प्लांट ग्रोथ के लिए जो प्लांट वाटर असेंशियल है उसे कहते हैं क्रेसार्ड, और जो अनअवेलेबल वाटर होता है प्लांट ग्रोथ से कहते हैं इकार्ड। दोनों टर्म समझ आ गई। फिर है पार्टिकल साइज, जितना भी सॉइल का पार्टिकल साइज होता है वो डिटरमाइन करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एयर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे क्ले एंड सिल्ट है बेटा, इनमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा उसकी एयर कैपेसिटी बेटा, एयर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। दोबारा सुनो, जितना ज़्यादा मेरा पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा एयर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा। अब स्लिट है बेटा, या फिर आप बात करो सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा, तो इसका उल्टा देखो, एयर कैपेसिटी ज़्यादा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम। और यहाँ लाइन लिखिए, मोर द पार्टिकल साइज लेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्रेटर द एयर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर पार्टिकल का साइज जो है कम है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है और एयर होल्डिंग कैपेसिटी मेरी ज़्यादा। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है भाई सब। अब एक ग्राफ है बेटा जो बेसिकली दिखाता है किस तरह एबायोटिक कंपोनेंट में एक ऑर्गेनाइज लेवल पे बेटा ये अरेंज होते हैं ना सिस्टमेटिकली। इसमें देखो हेमोस्टेट समझना है, टू मेंटेन द कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें कॉन्स्टेंट रहें उस तरह से ग्राफ बनाया। देखो ये इंटरनल लेवल है, ये एक्सटर्नल लेवल है बेटा। तीन चीज़ें समझनी है, कन्फर्मेटर, रेगुलेटर, माइग्रेटर और सस्पेंडर। दोबारा मेरे पीछे बोलो, कन्फर्मेटर, रेगुलेटर, माइग्रेटर, सस्पेंडर। कन्फर्मेटर बेटा देखो, कन्फर्मर जो इस ग्राफ में बनाए गए हैं, देखो दे कैन नॉट मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो। 99% जो होते हैं इसी में आते हैं, प्लांट्स हो गए, लोरेंटेस हो गए, वो होते हैं कन्फर्मर। रेगुलेटर वो होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट मेंटेन कर पाते हैं। माइग्रेटर होते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते इसलिए माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे बेटा साइबेरियन क्रेन है, बाहर से देखते हो माइग्रेशन होता है, क्यों लाडियो नेशनल पार्क में क्रेन वगैरह आती हैं इसीलिए कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ठंडे इलाके में आ जाते हैं, फिर माइग्रेट करके फिर वापस ले आते हैं। सस्पेंड वाले होते हैं जो हिबरनेशन एस्टिवेशन में चले आते हैं। विंटर स्लीप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हिबरनेशन, समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन बेटा। तो पोलर बियर हिबरनेशन में चले आते हैं, एस्टिवेशन में चले स्नेल फिश, जूम प्लेटन और डाइस्पोसिस स्टेज में चले आते हैं जहाँ पे सस्पेंडेड डेवलपमेंट होती है। पूरा बेटा ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल एक्सटर लेवल कन्फर्मर्स हैं, यहाँ से रेगुलेटर, यहाँ पे पार्शियल रेगुलेटर्स हैं। नेक्स्ट है मेरा बेटा किस तरह से अडाप्टेशन करते हैं। देखो अडाप्टेशन होता क्या है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके आपका रेस्पॉन्स किस तरह, क्या आप अपनी बॉडी में चेंजेस करते हो, क्या बॉडी नेचुरल चेंजेस आती है, सब समझेंगे। देखो कुछ पीसी ना जैसे कंगारू रेट है बेटा, अब ये क्या होता है जहाँ पे होता है इसकी शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है तो इसकी जो लेंथ ऑफ लूप ऑफ एनर्जी वो ज़्यादा होती है। ये जो यूरिन प्रोड्यूस करता है वो कंसनट्रेटेड यूरिन करता है बेटा। देखो बेटा कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होता है कि जिस यूरिन में ना बेटा मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी तो वैसे ही कम ही होती है तो बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत कम होता है ताकि उसका एक्सक्रीटरी पाउडर रिमूव हो पाए। अच्छा वाटर बना लेता है बॉडी में थ्रू मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ये बात समझ आ गई। तो उसने देखो एनवायरमेंटल के चेंजेस के, एनवायरमेंटल कंडीशन के अराउंड अपने आप को ढाल लिया। आप बात करो ओपुंडिया की, ओपुंडिया एक डेजर्ट प्लांट है, इसके लीव जो होते हैं थॉर्न्स की फॉर्म में होते हैं, बड़ा कांटे की तरह होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो पाए। फोटोसिंथेसिस कहाँ से होकर होती है, फ्लैटेंड स्टेम्स होता है। डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल्स होते हैं बेटा, जिसे आप कहते हैं ब्लबर्स भी कहते हैं, जहाँ से आपका ट्रांसपिरेशन जो होता है कम होता है, यानी लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है ना। अब मैं बात करूँ कोल्डर रीजन्स की, तो यहाँ पे एक एलन रूल लगता है बेटा। एलन रूल क्या कहता है कि जो कोल्डर रीजन के मैमल होंगे उनके ईयर छोटे होंगे, लिम्स छोटे होंगे ताकि हीट लॉस जो है कम से कम हो बेटा। ये बात समझ, भाई ठंड में आप क्या चाहोगे, बाहर बहुत एक्सट्रीम ठंड है, पोलर वियर की बात करूँ, तुम क्या चाहोगे तुम्हारी बॉडी से हीट लॉस ना हो। तो इसने एलन रूल यही कहता है कि कोल्डर रीजन प्लांट के छोटे ईयर होंगे, लिम्स छोटे होंगे। पोलर सी एक्वेटिक एनिमल लाइक सील्स है थिक लेयर ऑफ फैट होता है, ब्लबर मैंने आपको बताया जो इंसुलेटर की तरह काम करता है एक्टस लॉडी। हाई एल्टीट्यूड्स की बात करो, ऊंची पहाड़ियों की बात करो, भाई पहाड़ियों में तुम जाओ ट्रैकिंग करने जाओ, माउंटेनिंग करने घूमने जाओ, हिल स्टेशन जाओ, वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम होता है बेटा, लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। अगर ऑक्सीजन कम है तो बॉडी क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ा देती है बेटा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और साथ ही साथ क्या करती है ब्लड की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए कम होती है, जिसकी वजह से क्या है मोर ऑक्सीजन हमारे बॉडी टिश्यूज के लिए अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट मेरा है बेटा पिरामिड्स वगैरह बेसिकली डील करते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। अच्छा देखो सबसे पहले देखो तीन स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्री रिप्रोडक्टिव,
एक होती है रिप्रोडक्टिव, एक होती है पोस्ट। प्री रिप्रोडक्टिव बेटा वो स्टेज होती है बिफोर प्यूबर्टी, जैसा प्यूबर्टी अटेंड नहीं करी थी। रिप्रोडक्टिव होता है जिस एज में आप डिलीवरी वगैरह होते हैं या यू बिकम फादर मदर याली होती है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव होती है कि आप उस टाइम प्यूबर्टी एज खत्म चली गई होगी, आप लोग मेनोपॉज के एज में आ गए हो, आपसे कुछ नहीं होता है ना। तो तीन स्टेज है। सबसे पहला अगर आप देखो बेटा एक्सपेंडिंग के लिए एज पिरामिड है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, तो अगर देखो प्री रिप्रोडक्टिव फेज सबसे ज़्यादा है तो मानी यूथ बहुत ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोइंग में ग्राफ देखो किस तरह से बन रहा है, ग्राफ किस तरह बन रहा है पिरामिडल। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में ऐसा होता है बेटा, ठीक है। बेल शेप ग्राफ की बात करो, इसे एक्सपेंडिंग भी कहते हैं ना। अब इसमें देखो स्टेबलिंग में, इसमें देखो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बिल्कुल बराबर है बेटा, तो अच्छी बात है कि यार रिप्रोडक्टिव वाले क्रॉस करेंगे तो नए वाले आ जाएंगे। और यहाँ देखो किस तरह बन रहा है बेल शेप से, कहते हैं स्टेबल कंट्री लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। यहाँ बात करो, यहाँ पे देखो बेटा सबसे नीचे देखो सबसे कम कितने प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले, और देखो इसका मतलब क्या डिक्लाइनिंग ग्राफ है कि नहीं है, बात समझे। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज वाले सबसे ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले बहुत कम है, जिसका ये किसको शो करता है ये डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी कर्व बेटा, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कर्व टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, इसे पॉपुलेशन ग्रोथ भी कर्व भी कहते हैं। दो तरह से कर्व बन रहे हैं, इस तरह का कर्व बन रहा है, इस तरह का। ऊपर वाले कहते हैं डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन बेटा, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल और इसे कहते हैं जे शेप कर्व। नीचे वाला बनेगा डी एन बाई आर डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, ये बनेगा लॉजिस्टिक एस शेप कर्व। एक्सपोनेंशियल में क्या है बेटा, रिसोर्सेज जो है हमारे अनलिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म लिखने समझनी है बेटा, जो यहाँ पे आर लिखा है, आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो ये मैंने आर लिखा हुआ, आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नॉर्वे रेट के लिए आर की वैल्यू होती है 0.015, फ्लोरबिटल के लिए 0.12। एन कैपिटल एन है पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन, ठीक है। स्मॉल बी है बेटा बर्थ रेट, ठीक है, ए और बी दिखा रहे हैं अगर आप में, बी है बर्थ रेट और कौन सा बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट। स्मॉल डी है डेथ रेट, कौन सा डेथ रेट, पर कैपिटा डेथ रेट। और डी एन बाई डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इन टू एन बेटा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट पर कैपिटा। और इसको हमने आर के बराबर रख दिया, आर को हमने कहा इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ए मैंने आपको बता दिया जब रेस्पॉन्स लिमिटिंग होंगे तो ग्रोथ प्लॉट एक्सपोनेंशियल होगा, वहाँ लॉजिस्टिंग होगा। और के को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह पॉपुलेशन में स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कई सारे प्रोसेस देखो। स्पीशीज ए और बी दोनों को बेनिफिट हो बेटा, उसे क्या कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। एक को नुकसान हो दूसरे को भी नुकसान हो, उसे क्या कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन के रेस में होता है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एक दूसरे को मानना चाहता, दूसरा इसको मानना चाहता है। तीसरा प्रेडेशन बेटा, प्लस माइनस, यानी जो प्लस वाले इसको फायदा इसको नुकसान। प्रेडेटर होता है बेटा, मान लो शेर है हिरण को खा जाए तो हिरण शेर को फायदा हिरण को नुकसान, ठीक है। पैरासिटिज्म भी यही होता है बेटा, एक को फ़ायदा एक को नुकसान, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा दूसरे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और इस नेमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट टर्म है मेरा प्रीडेशन बेटा। इकोलॉजिकल कंटेक्स की बात करूँ, जितने भी कार्निवोरस हैं जितने भी हर्ब सारे प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब जो दूसरों को मार के खाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है प्रेडेटर की, प्रेडेटर कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। एक बात बताओ, अगर आप शेर मान लो हिरन नहीं खाता, ठीक है, तो हिरन की पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ जाएगी, हिरन की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी तो सारे घास वास सब खाते रहेंगे, सारे फॉरेस्ट जितने भी घास है सब खा जाएंगे, और जानवर ओवर ग्रेजिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो भाई कह रहे हैं कि प्रेडेटर का इंपॉर्टेंट रोल है। कंपटीशन नेक्स्ट, प्रोसेस फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज सिग्निफिकेंट लोअर इन प्रेशर ऑन अदर स्पीसीज। आपस में स्पीसीज जब बेटा इंटरेक्ट करती है तो एक की फिटनेस जो है बेटा दूसरे की प्रेजेंस में कम हो जाती है ना, सर्वाइवल फिटेस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने थ्योरी दी हुई थी। पैरासिटिज्म की बात करूँ, दूसरे की बॉडी में रहती है, तो पता होगा जिस बॉडी में वो जाते कहते हैं होस्ट और ये कहते हैं पैरासाइट। अब दो तरह से होती है, एक एक्टो पैरासाइट एक एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट बाहर रहता है बेटा, लाइस की बात करो जब जू कहते हो बॉडी के बाहर रहता है, एंडो पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, बात समझे बेटा। इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।